संघ का अपना कार्य पवित्र कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, क्योंकि सारे समाज को जोड़ना, सारे समाज को उन्नत करना, उनके गुण बढ़ाना और उनके संगठित शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए करना, इसको गीता में बताया है लोक संग्रह। और भगवान बार बार ये कहते हैं कि मैं तो हूं भगवान, परंतु मैं सामान्य लोगों जैसा इसलिए रहता हूं क्योंकि लोग बड़ों का अनुकरण करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। और इसलिए लोगों की रीति बिगड़े नहीं। दूसरा है, लोगों की समझदारी मर्यादित है, विकसित हो रही है। जैसे भगवान ही है, वो तो निर्गुण निराकार है, लेकिन निर्गुण निराकार समझ में नहीं आता, तो पहले पहले भगवान की मूर्ति चाहिए। मूर्ति की पूजा करते करते उसको ध्यान में आता है मूर्ति की पूजा नहीं है, मूर्ति में जो भगवान है उसकी पूजा है, वो भगवान कहाँ है, कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन ये मुझे सब पता है, लेकिन लोगों की रीति ना बगड़े, जिस रास्ते पर वो चले है उस रास्ते पर वो आगे बढ़ते जाए, इसलिए मैं एकदम अद्वैत वेदांत बता के उनका बुद्धिभेद नहीं करता हूं। जो कर रहे हैं वो अच्छा करे, सुंदर करे, सत्यम शिवम सुंदरम करे, इसी गुणवत्ता उनकी बनाता हूं। ये मुझे ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मुझे लोक संग्रह करना है। तो संघ का कार्य लोक संग्रह का कार्य है। उस संगठित शक्ति से अच्छे काम होंगे, यानी क्या होंगे, सज्जन लोगों को आनंद होगा, सज्जन लोगों की सुरक्षा होगी, ऐसा काम होगा। जो दुर्जन है उनको धाक बैठेगी, जो दुर्जन है वो अगर अपने दुर्बुद्धि के कारण आकर सर फोड़ने के लिए सर मारने लगे तो सर फूट जाएगा। और समाज को जोड़कर चलाना, समाज को उन्नत करना, समाज को बिखरने नहीं देना, ये जो धर्म है, जो धारणा करता है समाज की, धर्म यानी वो है जिस धर्म का संरक्षण करने के लिए भगवान का अवतार होता है, वो धर्म वो है। तो उसके लिए इस शक्ति का उपयोग होगा, यानी संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है, पवित्र कार्य है, करेगा भगवान। निमित्त हमको बनना है, उसके योग्य निमित्त बनने के लिए शाखा चलती है अपनी।